तो भाई उनका अंगूठा ना यहाँ पर से कट गया इस जगह पे से, यहाँ पे खून खून। भाई वो चेन साफ कर रहे थे, साफ करते करते अचानक से उसकी चेन में ना उन्हें अचानक से कपड़ा खींचा और अंगूठा भाई यहाँ से पूरा गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। पता नहीं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। भाई लोग कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के बज रहे अभी 5:30 और मेरे को कल रात को भाई ऐसे ही कुछ होम स्टे के अंदर, और भाई चेक करो भैया आ चुके हैं। कल रात में मेरी बात हुई थी उनसे कि मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक, तो शायद लेट नाइट आए काफ़ी वो, तो अभी सो रहे होंगे, उनको सोने देता हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा वॉशरूम। तो मिले थे मेरे को मिजोरम जाते वक्त और अब वो आगे होंगे यहाँ पे टाइमली, तो मैं भाई वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम वगैरह करके निकलूँगा। मैं आपको भैया से मिलाने वाला था बट भैया के संग एक कैजुअलिटी हो गई। वो यहाँ पे चेन साफ कर रहे थे, ठीक है, और चेन साफ करते करते ये देख रहे हो यहाँ खून उन भी लगा है, शायद उनकी फिंगर ना यहीं कहीं होगी लगी हुई इसमें। तो भाई उनका अंगूठा ना यहाँ पर से कट गया इस जगह पर से, यहाँ पे खून खून हो रहा था, आंटी ने पानी डाल दिया। तो गाइस कल रात में था इला ट्रैवलर्स हब में और यहाँ पे रुका हुआ था, और अभी थोड़ी देर पहले भैया के पास भी गया हुआ था, मगर भैया का भी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे गुवाहाटी अर्जेंट पहुँचना है, तो उनसे मैं दिल्ली में मिल लूँगा, ठीक है। हाँ भैया, तो अभी मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ पर से गुवाहाटी की तरफ। भाई पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ रोड की साइड में, यहाँ पर कुछ गोबरों में दिक्कत आ गई थी, तो गोबरों की दिक्कत को भी ठीक कर लिया भाई। पता नहीं मेमोरी कार्ड में शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसको काफ़ी देर से इसको ठीक कर रहा था और अब इसको ठीक कर लिया फाइनली। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई सेंटर सिटी, बिल्कुल सिटी का जो मिड है वहाँ पर, वहाँ से फिर निकल जाऊँगा गुवाहाटी के लिए। तो काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, मौसम भी साला बादल बादल जैसा हो रहा है, तो मेघालय में और भाई बारिश ना हो तो बारिश तो होगी, तो अभी गुवाहाटी निकलना है। गुवाहाटी से भाई देखते फिर क्या करना है। मैं अभी जा रहा हूँ 0 पॉइंट की तरफ जो सिटी सेंटर है वहाँ, वहाँ से फिर गुवाहाटी के लिए कटूंगा। तो मेरा गोप्रो थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मेमोरी कार्ड बार बार एरर बता रहा है, तो अभी जब तक इसको फॉर्मेट नहीं करूँगा तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है इसके अंदर। तो गाइस बादल की आवाज़ सुन रहे हो, तो अभी मैं हूँ मेघालय के बिल्कुल सेंटर में भाई, द शिलोंग मेघालय का कैपिटल। और जैसा कि कल रात आपने देखा काफ़ी लेट नाइट हो गया था मेरे को आने में, रूम वूम लिया उसके बाद रुका हुआ था एक होम स्टे में। तो अभी सुबह जब निकला तो भाई वहाँ पे भैया का आपने देखा ही है कि भैया के संग क्या कैजुअलिटी हो गई, तो भैया की वो कैजुअलिटी हुई भाई, उनका उंगली उंगली कट गई, फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मैं तो बहुत डर गया था भाई, भैया से मिल नहीं पाया और हॉस्पिटल गया था मैं, तो वहाँ पर से भाई हॉस्पिटल तो गया था मैं मगर ऑपरेशन चल रहा था उनका, तो फिर मैं मिल नहीं पाया। तो भाई बहुत बुरा हुआ उनके साथ यार, पूरा अंगूठा कट गया उनका भाई, मेरा तो दिल दहल गया यार। भाई वो चेन साफ कर रहे थे, साफ करते करते अचानक से उसकी चेन में ना उनकी, एक तो हंटर 350 है, वो चेन ने अचानक से कपड़ा खींचा और अंगूठा भाई यहाँ से पूरा गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। भाई इतना डर लग रहा था मेरे को, क्या बताऊँ, मैं भाई डरता नहीं हूँ अचानक से एकदम, मगर यार बंदे की हिम्मत देख के मैं भाई मेरी फट गई कसम से, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, बहुत अच्छे इंसान है यार वो, और उनके साथ ही ऐसा हो गया बताओ। तो ये है भाई शिलोंग का हॉपकम्सन रोड, हॉपकम्सन, ठीक है, आई नो या नाम याद नहीं होगा आपको मेरी ही तरह, कोई ना ट्राई करो। तो गुवाहाटी भाई 1.5 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है भाई, मगर हाईवे है बहुत प्यारा तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। बहुत ही बिजी रोड्स हैं यार ये शिलोंग के, बारिश हो रही है, हो गई तो अपनी गाड़ी धो देंगे बारिश में, तो बारिश बस किसी भी पल होने ही वाली है, वी नीड रेनकोट और रेन कवर और बैक कवर, तो वो मेरे पीछे वाले पैनियर बैग में पड़ा हुआ है भाई, से खोलने में लग जाएगा 5 मिनट मुझे, तब तक बारिश ऐसी तैसी कर देगी भाई। इसका इंजन ऑयल चेंज करना है
क्योंकि मैंने अभी देखा ना बहुत ज़्यादा काला हो चुका, क्योंकि पहाड़ों में चलिए लगातार, क्योंकि मेरा इंजन ऑयल इस गाड़ी का ना कभी भी काला नहीं होता, क्योंकि महंगा वाला ऑयल होता भाई, 900,000 रुपये वाला, ठीक है। वो जैसा डालो ना बस हल्का सा डिफेक्ट पड़ता है उस पर, हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा, और वैसे ही निकलता है। बट इस बार भाई, इस बार जो हमने जो ही दौड़ाई है गाड़ी भाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में, उसी का नतीजा है कि ये सब चीज़ हो रही है। तो भाई अभी सोसोथान रोड आएगी आगे, तो यहाँ पे बहुत ठंड है भाई मेघालय में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता ही है। मेघालय की एक जगह है भाई जिसको आप जानते होंगे, चेरापूंजी, वह विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाली जगह। भाई इतनी ठंड हो रही ना, आपको क्या बताऊँ, मेरे पैर जम रहे हैं यार, सच बता रहा हूँ। यहाँ के लोगों को आदत है मे बी। तो यहाँ पर है इसका एक सेंटर पॉइंट जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मैं पीक पे तो नहीं जा रहा, शिलोंग पीक वहाँ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ शिलोंग सेंटर पॉइंट पे, बिकॉज सेंटर पॉइंट पे भाई मुझे एक फ़ोटो क्लिक करवानी है। भीड़ इतनी होगी कि हो ही नहीं पाएगी मुझे लग रहा है। भाई बिजली कड़क रही कितनी गंदी तरीके से उधर को यार। रिफ्यूल भी कराना है, देखो देखो देखो, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है इधर भाई, बहुत। वाह भाई कितना बढ़िया लग रहा है, एक फ्लैग इधर है, एक फ्लैग उधर है, वो रहा भाई देखो सेंटर पॉइंट सामने, देख पा रहे हो जी। वाह, 2 मिनट की बारिश देखो मेघालय के अंदर, तो गाड़ी वहाँ खड़ी है हमारी, वॉश हो जाएगी हल्की फुल्की, अभी तक तो कुछ भी दिख नहीं रहा था कीचड़ में से, बाकी बैग मेरा उधर पड़ा है, और मैं इधर भाई दुकान में बता रहा हूँ, कैमरे में पानी भी जा रहा है, तो अभी रेनकोट पहन के निकलना पड़ा है, तो उसके लिए मुझे जाने के लिए। सामने भाई दिखा दूँ आपको, आई लव शिलोंग का बोर्ड लगा है, वो रहा देखो आई लव शिलोंग का बोर्ड। तो अभी भाई यहाँ पर से क्या है, मैं निकल रहा हूँ गुवाहाटी की तरफ, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी तो रुक गया यहाँ पर, और अपना ये सब बैग वैग बांध लिया है, अब निकल रहा हूँ गुवाहाटी की तरफ, लगभग 2.5-3 घंटे लग जाएंगे गुवाहाटी जाने में। गुवाहाटी में जाके देखते हैं भाई क्या करना है। तो गाइस हेलमेट में से मैंने कैमरा खोल के रख दिया था, और शिलोंग का जो चौराहा है वो जस्ट पीछे रह गया है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, बट फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा ली है मैंने, वहाँ एक भैया मिल गए थे उनके थ्रू। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई GS रोड पे गुवाहाटी के लिए। यह है शिलोंग की GS रोड जो कि गुवाहाटी जाती है, तो इतनी बिजी रोड है हद से ज़्यादा। तो नेशनल हाईवे 6 पे जा रहे हैं भाई हम शिलोंग की मार्केट को पार करते हुए, तो हेयर वी आर भाई, शिलोंग हो रहा है एंड, तो बाय बाय मेघालय, बाय बाय शिलोंग। अब हम फिर से एंट्री कर रहे हैं भाई अगेन गुवाहाटी असम। अरे भाई क्या कर रहा, गाइस मैंने तेल नहीं डाला है, गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ किसी ने गाय देखी अभी तक, एक बार भी गाय भैंस नहीं है यहाँ पे, ये साले दूध कहाँ से पीते होंगे, पैकेट वाला ही पीते होंगे, वही आ सकता है यहाँ। स्पीड लिमिट 30, हमारे चल रही 65, वाह नहीं काम करेगा। पता नहीं दीजिए एक बारी, ओके। पेट्रोल पंप कितनी दूर पे है, आगे वाला पेट्रोल पंप कितनी दूर पे है, नेक्स्ट पेट्रोल पंप पास में ही। तो गाइस वहाँ से तो डला नहीं तेल, बिकॉज वो वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत स्लो हो रखी है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही। कोहरा भाई मेरे विंडशील्ड पे कोहरा जम रहा है, और मैं सांस ले रहा हूँ तो भाप बन रही है, सोचो यहाँ कितनी ठंड है। और हमारे उत्तराखंड में भी इतनी गर्मी में झुलस रहे होंगे लोग भाई, एक तो इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बड़ी जल्दी आया भाई। तो भाई मौसम देखना ज़रा, मुझे ठंड लग रही है यार, क्या ही करूँ मैं, ये हल्का हल्का देखो बारिश बारिश जैसा हो रहा है मौसम, ना पूरा कोहरा टाइप का हो गया, जबकि अभी बज रहे हैं
3:30। अभी जस्ट बारिश हुई है इस रोड पे। गुवाहाटी 1.5 घंटे का रास्ता है। ओके ओ भाई, इधर को देखो नजारा, पूरा पानी 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 भाई, क्या व्यू है देखो भाई, पूरी नीचे घाटी। माय गॉड, काश भाई आप लोग रियल में देख पाते इस चीज को। आगे से आई थिंक व्यू आएगा बढ़िया, दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो लेट्स गिव यू अ व्यू ब्रो। ओके तो गाइस देखो, अभी दूर दूर तक भाई पूरा वैली है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, देखो। तो कल मैं आ रहा था तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे, और अभी सभी जा चुके हैं उठ के। बढ़िया लगता है काफ़ी यार, माहौल बहुत बढ़िया है। तो वो वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, बताओ। वेरी गुड, आई लाइक इट। तो अभी अपने को आगे निकलना है भाई, टर्न है 85 किलोमीटर है, निकलते हैं अभी। ये क्या बेच रहा है? तो गाइस अब सीधा निकलो यहां से गुवाहाटी, लेट्स गो। तो गाइस नजारा चेक करो, लेफ्ट में है झील और राइट में है गड्ढा। तो ये एक छोटा सा डैम है भाई। तो भाई जो फिल्मों में हम देखते हैं बैकग्राउंड से बादल उड़ रहे हैं, कोहरा कोहरा है, वैसा ही मौसम वहां पड़ा है। बाकी इधर थोड़ी कम बारिश हुई है, और भाई मैं चेरापूंजी नहीं गया क्योंकि बहुत बारिश होती है उधर, बहुत। मैं मॉर्निंग में देख रहा था वहाँ का वेदर, भाई देखो झील कितनी बड़ी, तभी तो यहाँ इतनी बारिश होती है, इतना ठंडा है भाई। बहुत झील है यहाँ पे भी मेघालय में। तो भाई एक अफसोस रह गया कि मैं आई लव शिलोंग पे जा कर के ना प्रॉपर फोटो नहीं खींच सका बाइक के साथ, क्योंकि वहाँ बाइक अलाउ भी नहीं थी यार। क्या जगह है भाई, वीडियो तो एक एक छोटी सी फोटो तो बनती है ना। नो स्टॉपिंग है भाई यहाँ, भाई देख रहे हो, देखो भाई झील देखो कितनी जबरदस्त लग रही है ना, लिखा हुआ है नो स्टॉपिंग। तो ये तो नैनीताल की नैना झील से भी बड़ी लग रही है यार ना, बहुत बड़ी है। तो अभी अपन पहाड़ से भाई थोड़ा जा रहे हैं प्लेन की तरफ, गुवाहाटी में इतने पहाड़ नहीं है, वो नॉर्मल लगता है। ऐसे इस तरीके के रास्ते हैं वहाँ पे, तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी गाड़ी की, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो NH1 पे हैं भाई हम, NH1 है ये। सोचो NH74 है उत्तराखंड में सब जगह, तो भाई देखो NH74 पे भी चल रहे हो। और मैं कितने सारे मैंने हाईवेज चेंज किए यार इस सफ़र के दौरान, अपने नॉर्थ ईस्ट में ही कर दिए। मैक्सिमम चला मैं NH27 और NH15 पे, बहुत चला भाई। और जब बिहार में था भाई NH31 खाली इसी पे चल रहा था। माँ के हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ यार मैं, बहुत ज़्यादा। वो टेस्ट, वो स्वाद नहीं आता यार, बाहर कितना भी खा लो वो स्वाद भाई कोई बना ही नहीं सकता जो मेरी माँ के हाथ में होता ना। मेरी क्या, हर किसी की माँ के हाथ में, हमको हमारी माँ के हाथ का खाना ही पसंद आता है। मैं सच बता रहा हूँ बहुत मिस कर रहा हूँ यार, बहुत। मन अगर मेरा आसपास ही होता ना मैं घर चला जाता अभी, खाना खा के फिर दोबारा राइड कंटिन्यू कर लेता।
बहुत ज़्यादा मन है यार मेरा, बहुत, मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाने का। वो टेस्ट साला ना मैं ला पाता हूँ, ना कोई और ला सकता है, वो टेस्ट बस मेरी माँ ही ला सकती है। तो मम्मी आई मिस योर खाना मम्मी यार। गुवाहाटी 78 है भाई यहाँ से, तो गोप्रो में काफ़ी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। अगर ये गोप्रो ने तो दिन में मुझे परेशान नहीं किया होता ना, सच बता रहा हूँ। 2 घंटा खा गया है गोप्रो मेरा, तो 2 घंटा इसका मैंने भाई सारा डेटा अपने उसमें हार्ड डिस्क में कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर मैं वहाँ से निकला। पहली बात तो भैया के साथ हॉस्पिटल में था मैं, काफ़ी समय तक वहाँ पे था, फिर पता चला कि उनको 3 घंटे 4 घंटे बाद छोड़ेंगे बाहर। वो ऑपरेशन थिएटर में थे ना, उनकी स्टिचेस होंगी शायद, वो बंद करेंगे उसको ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो इसीलिए भाई टाइम लग गया यार वहाँ। तो चलो उसको तो मैं टाइम नहीं मानता, मगर मेरे गोप्रो ने बहुत परेशान किया भाई, बहुत। इस साले गोप्रो की तो ऐसी की तैसी, मगर अगर ये बेचारा ना बहुत साथ देता है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ उसको, वरना इसको तो मैं कब का बदल दूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। अभी गुवाहाटी से खड़ा हूँ भाई लगभग 58 किलोमीटर पीछे, और बारिश हो रही बड़ी खतरनाक। तो जैसी बारिश हमने मेघालय में देखी थी वैसी बारिश यहाँ पे भी हो रही है गुवाहाटी में। तो अभी भाई रेनकोट निकालने के लिए खड़ा हुआ था, बारिश इतनी खतरनाक हो रही है क्या बताऊँ। अब बगल से जा रही इतनी गंदी वाली नदी, तो भाई अभी बादल कड़क रहे, बिजली भी कड़क रही है। फटाफट से गाड़ी उठाता हूँ, गुवाहाटी पहुँचता हूँ। गाड़ी में हमारी सर्विस का भी इंडिकेशन आ गया है, सर्विस भी करवानी है इसकी यार, गुवाहाटी में जाके इसकी सर्विस भी करवाएंगे। तो अभी निकलते हैं भाई, टाइम हो चुका है 4:12, तो बस निकल। जरा नज़ारा चेक करो भाई, देख रहे हो हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बिल्कुल स्प्रे की तरह, स्प्रिंकल्स, तो स्प्रिंकल्स गिर रहे हैं हल्के हल्के। तो गाइस भूख लगी थी तो कुछ इस तरीके की थाली आई है, तो ये भी खा रहा हूँ और खा के भी निकल जाता हूँ गुवाहाटी की तरफ। तो भाई फिर से आ गया हूँ वही गुवाहाटी शहर में, और अभी जा रहा हूँ यहाँ से स्टेशन की तरफ। तो रास्ता कुछ ये वाला है स्टेशन के लिए, पल्टन बाजार को जो जाता है, और मैं यहाँ पर से भाई पहले पल्टन बाजार जाऊँगा, फिर वहाँ पर से रहने का तो सब पता ही है गुवाहाटी के अंदर। तो बस जाते हैं, अभी बस थक गया हूँ भाई, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी आगे खड़ा हूँ चौराहे पे पल्टन बाजार के रास्ते के लिए, उधर से रास्ता जा रहा है इसका। तो बस अब बस यार ये ट्रैफिक क्लियर होगा फिर निकल जाऊँगा, जब इधर का लाइन शुरू होगा ना निकल जाऊँगा। सर्विस में तो टाइम लग रहा है, तो सोचा कि रात में इसका ऑयल चेंज करवा लूँ। ऑयल मैंने खरीद लिया था ये वाला, और फिल्टर भी ले लिया मैंने यहाँ पर से, और अब क्या है इसका ना ऑयल फिल्टर और वो ऑयल फिल्टर चेंज करा दिया, अब इसका ऑयल भी चेंज करा दे रहा हूँ, इससे क्या होगा। तो गाइस अभी इसको क्या है ऑयल चेंज करवा के फिर आगे निकलता हूँ। तो गाइस ये है दीपक टेक्नीशियन जी का डब्बा, और ये है दीपक टेक्नीशियन, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। तो ये हमारे कस्टमर देंगे तो हम आपका सर्विस करेंगे, बिल्कुल सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ओके, रात 8 बजे से लेके 11 बजे तक सर्विस करते हैं। ओके, तो ये देखो हमारी गाड़ी का क्लच वायर भी चेंज कर रहे हैं भैया, तो अभी हमने ऑयल चेंज करवाया और अभी करवा रहा हूँ क्लच की वायर चेंज। तो ये करवाने के बाद भाई देख लूंगा, पूरा अच्छा से सर्विस देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो अभी भाई यहाँ से जा रहा हूँ मैं, अभी तो ये यहाँ पर से क्लच की वायर में दिक्कत आ रही थी, ये गियर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाकी ऑयल भी चेंज करा दिया, फिल्टर भी चेंज करा दिया, और इसको अभी कंप्लीट करने के बाद ये सेट हो जाएगा। तो बस यार ये करवाने के बाद मैं निकलता हूँ जैसे, अभी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाना है। ये भाई मिले थे हमको, आपको पता ही होगा अभी बाइक के, वहाँ पर नाम क्या अपना? जॉनी नाम है भाई का। तो भाई ने मेरे को देखो वहाँ से घुमा के अभी पूरा स्टेशन तक छोड़ा है भाई ने मेरे को, तो थैंक यू सो मच भाई। तो मिलेंगे आपसे अभी गुवाहाटी से, कल निकल जाऊँगा मैं, और आपसे मैं आऊँगा गुवाहाटी, अगले साल आऊँगा दोबारा, फिर आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? बिल्कुल, आपको भी उत्तराखंड आओ तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो मिलते हैं भाई, ओके।